प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ईस्ट एशिया समिट को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन है और वो आसियान समुदाय के विजन को समझने और 2025 का रास्ता तैयार करने के लिए सदस्य देशों की सराहना करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वो समय आ गया है जब चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया हमारी ओर देख रही है। चूंकि आतंकवाद पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है, लिहाजा वो उम्मीद करते हैं कि आतंकवादियों को कहीं से भी होने वाली फंडिंग तुरंत बंद होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आईएस और उसके जिहादी गुटों के बारे में कहा कि ऐसे लोगों की मदद करने वालों की भी जानकारी जुटाकर उन्हें अलग थलग करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा साउथ चाइना सी के मसले पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी राय रखी। वहीं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन की शुरुआत तमिल में की और लोगों से कहा कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं में ही नहीं रहता है बल्कि वो दुनिया में हर भारतीय के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलय भारतीय छात्रों के ट्रस्ट फंड को $10 लाख देने का वायदा किया। उन्होंने आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इंटरनेट को आतंकवादियों का भर्ती केंद्र बनने से रोकना होगा। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में मलेशिया के प्रवासी भारतीयों के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि मलेशिया में भारत के सांस्कृतिक केंद्र का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद, दिस इज नॉट ओनली ए डीपली स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर मी पर्सनली, इट ऑल्सो रिकॉल्स द ग्रेट जर्नी ही अंडरटूक मोर देन ए सेंचुरी अगो थ्रू दिस रीजन टू अमेरिका। There he drew upon India's ancient wisdom to make a passionate call for unity in the world. He spoke for Asian spirit that is needed today when we dream of an Asian century. And at the time of our great challenges in the world, the statue on the soil of Malaysia is a reminder to the world of the values we so deeply need to repair the fault lines that are tearing our science societies apart. And tomorrow, Prime Minister Najib and I will jointly inaugurate the Toran Gate at Little India in Brickfields. We both became free within a decade of each other. An independent India owes a debt of gratitude to Malay Indians. The glory of India's freedom struggle was written in part by the struggles and sacrifice of Malay Indians. Thousands of your forefathers came forward to join Netaji Subhash Chandra Bose and the Indian Nation Army. Women poured out in a large numbers from the comfort of their homes to march shoulder to shoulder with Netaji Subhash Bose. Today, India is not just united but draws strength from its diversity. There are many countries where the high hopes of democracy at birth have faded along the way. India is a proud democratic nation of 1.25 billion people. We have a chance to exercise their franchise. It is a young country with 800 million youth under the age of 35 years. It is a nation where every citizen belongs, where everyone has equal rights that the Constitution guarantees, the courts protect, and the government defends.